हेलो फ्रेंड्स, उबैद एक्सपेरिमेंट में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैंने एक कूलर बनाया है और उस कूलर में मैंने दो फ़ैन का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, मैंने उस कूलर को सिर्फ एक ही चार्जर से यानी एक ही अडेप्टर से चलाया है, मैंने कोई उसमें पावर बूस्टर का यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं किस तरीके से बनाया है ये, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, कूलर की बॉडी को मेक करने के लिए मैंने MDF बोर्ड की शीट का यूज़ किया है और तीन शीट ली है मैंने 7x3 इंची की और दो शीट ली है मैंने 3x2.5 इंची की। और फ्रेंड्स, ये 7 इंची की तीन शीट में से मैंने एक शीट का यूज़ किया है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैं यहाँ स्केल भर रहा हूँ, ये 35 mm का स्केल भरा है मैंने। और यहाँ एक सर्कल बना लेना है और फ्रेंड्स, सर्कल को जो है हमें यहाँ काटना है ताकि हमें यहाँ प्रोपेलर का साइज बिल्कुल सही मिल सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास छोटी या बड़ी प्रोपेलर है तो आप उसके साइज़ के हिसाब से इसे काट सकते हो। और फ्रेंड्स, यहाँ काटने के लिए मैंने यहाँ सिंपली कोई भी एक धारदार चीज़ ले सकते हो, या आपके पास अगर इसकी मशीन है यानी जो इसमें आप ड्रिल मशीन से छेद कर इसको काट सकते हो तो आप इस तरीके से भी काट सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये MDF बोर्ड है, इसके लिए कोई भी मशीन की ज़रूरत नहीं है, इसे तो आप किसी भी कोई भी धारदार चीज़ से काट सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों रिंगों को क्लियर कर लिया है और इसको जो है फिनिशिंग लाने के लिए मैंने सैंड पेपर का यूज़ किया है। सैंड पेपर का नंबर है 80, या आप 60 नंबर का भी सैंड पेपर यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी बॉडी को मेक कर रहा हूँ। मेक करने के लिए हमने 1 7 इंच की इसकी एक और शीट को लेना है और इसकी एक 2.5x3 वाली जो शीट थी उन दोनों को लेकर इसको जोड़ना है। और जोड़ने के लिए फ्रेंड्स, मैं फेविक ग्लू का यानी फास्ट ग्लू जो आती है उसका यूज़ कर रहा हूँ ताकि वो जल्दी से अपना वर्क कर सके, यानी मैं आपको जल्दी से इसे चिपका कर दिखाना चाहता हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये ना है या अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप ग्लू गन का भी यूज़ कर सकते हो चिपकाने के लिए। कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें, फेविकॉल वगैरह कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये बराबर वाली शीट की जो जगह है मैंने कोना छोड़ दिया था, तो आप देख सकते हो यहाँ किस तरीके से मैंने इसे फिक्स किया है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मोटर का यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मोटर का जो वाट है ये सिर्फ 3 वाट का है। दोनों मोटर 3 वाट की हैं, एक छोटी है एक बड़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स, ये दोनों मोटर जो हैं एक ही अडेप्टर से चलेंगी, एक ही अडेप्टर से अच्छे बराबर के राउंड देंगे, RPM इनके बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी वर्किंग आप देख सकते हो, जब मैं इसको लगा कर दिखाऊँगा तो काफ़ी तेज़ वर्क और हार्ड वर्क किया था। तो इसका कनेक्शन सिंपल सा ये है कि पहले एक मोटर में माइनस प्लस में मैंने कनेक्शन कर लिया है और इन दोनों मोटरों को मैं इस तरीके से जोड़ूंगा कि इसका वाला जो प्लस है उसके दूसरी मोटर के माइनस पर कनेक्ट कर दूंगा। और इसके बाद दोनों मोटरों का एक माइनस और एक प्लस यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वायर बचेगा, तो उन दोनों वायरों का हम अडेप्टर में कनेक्ट कर यूज़ करेंगे। तो किस तरीके से हम यूज़ करेंगे आप आगे देख सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो में कोई भी कमी नज़र आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ये लिखकर ज़रूर बताएं कि आपकी कमी, मतलब वीडियो में कमी किस बात की है। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और इसे डिसलाइक कर सकते हो मगर डिसलाइक करने की वजह आपको कमेंट में ज़रूर लिखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, ये मोटरों का कनेक्शन हमारा फाइनल हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसके बाद जो मैं यूज़ कर रहा हूँ एक प्रोपेलर है, ये सिर्फ 5 रुपये में आपको ऑफलाइन मिलेगी। सिर्फ ऑफलाइन ही खरीदोगे तभी आपको ये 5 रुपये की मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा वर्क कर इसमें कनेक्ट करके कि मोटर आपका किस तरीके से जाम तो नहीं है। इसके बाद MDF बोर्ड की कोई भी छोटी छोटी दो शीट काट लेनी है और ये शीट जो है उसके बराबर की हैं जो हमने बॉडी बनाई थी। तो यहाँ पर ये हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी मोटर जो है यहाँ बिल्कुल फिक्स आ सके। तो आप इसका जो सर्कल है इसका मिड पॉइंट निकाल कर इसको यहाँ फिक्स कर लें। मिड पॉइंट निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस मोटर को इस तरीके से कनेक्ट करके यहाँ पर जो है इसे फिक्स कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो रही है, तो आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, मुझे कमेंट कर पूछ लीजिएगा। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूँ, मैंने ग्लू गन का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, यहाँ ग्लू गन ज़्यादा बेटर है काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, हमने मोटर जो यहाँ सिर्फ साइज़ के लिए उठाकर लगाई थी ताकि अंदाजे से हमें मिड पॉइंट का पता चल सके। ये बिल्कुल सिंपल ट्रिक है मिड पॉइंट निकालने की। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हो मैं एक जाली का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हार्डवेयर की शॉप पर आपको मिलेगी, ये एल्युमिनियम की जाली है। इसके मैंने 2 पीस काट लिए हैं, पीस जो है सिर्फ उसी के बराबर के हैं जो हमने सर्किल काटे थे। तो आप देख सकते हो मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो इसकी कितनी अच्छी लुकिंग आ जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये वाली जाली ना हो तो आप मक्की जाली का यूज़ कर सकते हो जो विंडो पर फिट होती है।
और फ्रेंड्स इसको फिक्स करने के लिए सिंपली मैं आप देख सकते हो मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ग्लू गन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट काम करेगी जाली को कनेक्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने दोनों जालियों को यहाँ फिक्स कर दिया है, तो काफ़ी अच्छी लुकिंग आ रही है इसकी, आप लुकिंग को देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने जो है मोटरों को कनेक्शन तो कर ही लिया था, अब इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर इसके मिड पॉइंट पर थोड़ी सी ग्लू गन लगाऊंगा और इसको यहाँ फिक्स कर दूंगा। और फ्रेंड्स आप यकीन मानिए इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, तो आप भी कमेंट करके मुझे बताएं ये प्रोपेलर का जो दो कलर का मैंने लुक लिया है ये आपको कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स हमारी एक शीट थी ऊपर की 2.5x3 इंची की, तो आप इस शीट को भी हम यहाँ फिक्स कर लेंगे। तो फिक्स करने के लिए मैं फास्ट ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स ये आप पीछे की तरफ जो स्पेस देख रहे हो इस पर मैं आइस चैम्बर बनाऊंगा, तो आइस चैम्बर बनाने के लिए मैंने पीवीसी पाइप का यूज़ किया है। फ्रेंड्स ये पीवीसी पाइप जो है लेंटर में काम आता है जब आप बिजली फिटिंग करवाते हो। तो फ्रेंड्स इसका आइस चैम्बर हमारा इस तरीके से बनेगा, आपको इसको बिल्कुल बीचों बीच में से काटना है, एक कोई भी मिड पॉइंट ले लें, किसी भी मिड पॉइंट पर आप इसे बीचों बीच काट सकते हो, और काटने के लिए आरी का ब्लेड यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आरी के ब्लेड से इसे काटा है बिल्कुल बीचों बीच। और फ्रेंड्स इसको बिल्कुल सीधा करने के लिए हमें थोड़ी सी गैस की आँच देनी पड़ेगी, यानी हीट देनी पड़ेगी। अगर आपके पास गैस नहीं है, हेयर ड्रायर है तो आप उससे भी इसको सीधा कर सकते हो, या आपके पास परेस है तो आप इसे परेस से भी सीधा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये हमारी शीट है बिल्कुल तैयार हो चुकी। और फ्रेंड्स मैंने आइस चैम्बर का जो साइज़ लिया है वो 1 इंची लिया है, यानी ये आप पट्टी देख रहे हो जिसको मैं फेवी ग्लू से यानी फास्ट ग्लू से चिपका रहा हूँ, तो ये 1 इंची की है, 1 इंची हमारी ये बॉक्स बनकर अंदर की तरफ जाएगा कूलर में। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा बॉक्स सिंपली तैयार हो चुका है। तो इसके ऊपर से हमारी जो दूसरी शीट थी, हमने ये 2 शीट काटी थी, तो दूसरी शीट को हम इसके ऊपर चिपका देंगे जो हमने ये बॉक्स बनाया है। और फ्रेंड थोड़ी सी साइड में से आपको जगह छोड़ देनी है ताकि इसमें से हम पानी निकाल सकें। और फ्रेंड्स इसको भी हम नीचे से चिपकाने के लिए फास्ट ग्लू का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्रेंड्स आइस चैम्बर हमारा कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, एक बार इसको देख सकते हैं किस तरीके से ये लगता है। तो ये कम से कम 1 इंची हमारा अंदर जाएगा, और फ्रेंड्स इसमें जो हम आइस डालेंगे तो काफ़ी अच्छी हवा हमारी एयर करेगी अंदर की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा आइस चैम्बर तो तैयार हो चुका है, लेकिन आइस चैम्बर में एयर कहाँ से पासिंग हो, तो एयर पासिंग के लिए हमने हॉल करना है। हॉल करने के लिए आप देख सकते हो मैं स्केच से डॉट लगा रहा हूँ, डॉट को हमें क्लियर करने के लिए आप देख सकते हो कोई भी धारदार चीज़ का हम यूज़ कर सकते हो, कोई कैंची वगैरह हो, किसी भी चीज़ का आप यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रिल का ही यूज़ करो। तो आप देख सकते हो मैंने कम्प्लीटली अपने हॉल कर लिए हैं, आइस चैम्बर के हॉल थोड़े बड़े करने हैं ताकि एयर पासिंग में आसानी हो। और फ्रेंड्स ऊपर की तरफ हमें एक नॉक लगानी है ताकि हमारा आइस चैम्बर वहाँ रुक जाए। तो अब आते हैं कि मोटर को किस तरीके से सप्लाई दी जाए। तो मैंने यहाँ पर RD3500 जैक का यूज़ किया है, इसका प्लस माइनस मैंने कनेक्शन कर लिया है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमारा कोई भी चार्जर यानी किसी भी मोबाइल के चार्जर से हमारा कूलर वर्क कर सके। तो प्लस में प्लस और माइनस में माइनस का बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके कनेक्शन है, कोई इसमें वो नहीं है कि डायोड वगैरह का आप यूज़ करो। और फ्रेंड्स ध्यान रखना जो हमने मोटर के कनेक्शन किए थे उनमें ये उल्टा ना लग जाए, और हमने मोटर का जो कनेक्शन किए थे वो प्लस और माइनस में और भी आपको पीछे समझाया था मैंने किस तरीके से किए थे, तो वो इसलिए किए थे ताकि मोटर का जो राउंड है वो एक ही तरफ को घूमे, दोनों मोटरों के राउंड एक तरफ को घूमेंगे तभी आपको एक साथ हवा मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स हमने RD3500 का जो जैक है किसी भी जगह आप फिक्स कर लेना आपको जो जगह बेटर नज़र आए, तो इसको फिक्स करने के लिए मैंने फास्ट ग्लू का यूज़ किया है ताकि हमारा ये जैक जल्दी से यहाँ चिपक जाए। और फ्रेंड्स आइस चैम्बर को लॉक करने के लिए मैंने सिंपली सेफ्टी पिन का यूज़ किया है, सेफ्टी पिन को आप हल्के से काट कर एक लॉक बना सकते हो। तो फ्रेंड्स मोटर को रन करने के लिए हमने एक अडेप्टर का यूज़ किया है, तो ये 5 वोल्ट का अडेप्टर है, आप किसी भी चार्जर का यूज़ कर सकते हो, कोई भी चार्जर आप ले सकते हो। तो हमारी जो नॉप है सेफ्टी पिन की उसको हमने हटा लिया और आइस चैम्बर हमारा आसानी से खुल गया है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर अब मैं आइस डालूंगा, पहले आइस डालकर आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आइस भरी जाएगी, इसमें कहां तक आइस आएगी। मैंने इसमें आइस ज़्यादा इसलिए नहीं भरी, यानी ऊपर तक खाना मैंने इसलिए नहीं बनाया ताकि इसमें इसका वज़न या वेट ज़्यादा हो जाए, और फ्रेंड्स इसमें फिर पानी की भी कैपेसिटी ज़्यादा बन जाएगी, तो इसलिए मैंने इसे छोटा बनाया था। तो आप देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़े मैं आइस के इसके अंदर डाल रहा हूँ।
तो फ्रेंड्स, हमने फाइनली अपने कूलर को तैयार कर लिया है और आप देख सकते हो मैं इसे 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ। तो इसके बाद आप देख सकते हो मैं इसकी आपको आवाज़ भी दिखाऊंगा और आपको इसकी अच्छी तरीके से सारी टेस्टिंग कर कर दिखाऊंगा कि आपको कितनी हवा कंज्यूम कर सकता है और आपकी कौन बंदा इसका यूज़ कर सकता है, यानी एक बंदा यूज़ कर सकता है, 2 बंदे यूज़ कर सकते हैं, ये पूरे कमरे के लिए है। तो पहले तो आप इसे देख सकते हैं, इसके अंदर हवा का प्रेशर बन रहा है, काफ़ी अच्छा प्रेशर है। तो कम से कम अब मैं बता सकता हूँ कि ये एक बंदे के लिए काफ़ी बेटर है। आप अगर आपका कोई बच्चा है छोटा, तो आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, तो आप इसको चलाकर उसके पास रख दें। ये सिंपली कोई भी चार्जर से, फ़ोन से चल जाएगा, इसमें कोई बैटरी की ज़रूरत नहीं है। और हाँ फ्रेंड, अगर आप इसमें बैटरी का भी यूज़ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, सिर्फ आपको DC मॉड्यूल का यूज़ करना पड़ेगा, जो चार्जिंग मॉड्यूल आता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यहीं तक है। और फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, सबसे ज़्यादा जो मेहनत लगती है मुझे एक्सप्लेन करने में लगती है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल पर और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो पड़ी हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हो। मिलते हैं अच्छे से कंटेंट के साथ अगली वीडियो में।